सर्किट हाउस मंडी से राज्य की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थुनागवा नागरिक चिकित्सालय झजरी की उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। वहीं बेरोजगार नर्सिंग महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलकर उसे अपनी मांगों से अवगत करवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनकी मांगों को अवश्य पूरा करेंगे। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही पूनम सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे उनकी मांगों को जल्द पूरा करेंगे और हर ब्लॉक में 2 अध्यापक रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब सेशन बैठेगा तब उनकी नियुक्तियां की जाएंगी ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह उनकी मांगों को जल्द पूरा करेंगे। की यही मांग है कि राजा साहब ने हमें जो है आश्वासन दिया है कि हर हर ब्लॉक में जहाँ पे भी मॉडल स्कूल है वहाँ पे 2 टीचर पर स्कूल में रखेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि जब प्राइमरी सेक्शंस में अब अप्रैल में क्लासेस बैठेंगी तो हम लोगों को उसमें पोस्ट दी जाए। और हम इसीलिए आज यहाँ पे राजा साहब के पास आए हैं कि प्रिंस से जो सेक्शन है उसमें हम जो बेरोजगार नर्सरी अध्यापिकाएं हमें पोस्ट दी जाए ताकि हमें रोजगार मिल जाए। और जो राजा साहब ने जो जिस चीज के लिए हमें आश्वासन दिया है वो इनका मांग भी पूरी हो जाएगी तो हमारे भी, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा क्योंकि एजुकेशन की एक जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो नर्सरी और केजी से स्टार्ट होती है। तो अगर बच्चों को बेसिक से प्रॉपर शिक्षा मिलेगी तो वो आगे को सरकारी स्कूलों का स्तर भी ऊंचा होगा और प्राइवेट सेक्शंस की तरफ लोग कम जाएंगे। बच्चों को ने आश्वासन दिया है कि वो अप्रैल में हमारे लिए सोचेंगे। इन्होंने ऑलरेडी बोला है हमें कि अप्रैल में जो भी क्लासेस बैठेंगी हमें उसमें पोस्ट ऑफ करेंगे।